नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। योगी सरकार लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। खासकर जिस तरह से लव जिहाद के अचानक से उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से मामले सामने आए, उसके बाद तो सीएम योगी भी एक्शन में आ गए और फिर लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार एक कड़ा कानून लेकर आई, जिसके बाद से ही लव जिहादियों की कमर तोड़ी जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ कट्टरपंथी मानसिकता वाले बाज नहीं आ रहे हैं और बार बार लव जिहाद के मामलों को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच यूपी के बागपत से गैंगरेप के बाद जबरन धर्म प्रवर्तन कराकर शादी करने का एक चौंकाने वाला मामला सामने है। यहां बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक युवती का धर्म प्रवर्तन कराकर मुस्लिम युवक ने उससे निकाह किया। इसके बाद अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। गुरुवार को पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली में इरशाद अली, अयुब, बिल्लू महमूद, नौशाद, जिंदा, समीर, सौमिन के खिलाफ धारा 376D, 323, 504, 506, 420, 467 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सप्रवर्तन प्रतिशोध अध्यादेश 2020 की धारा 3 और 5 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि कैराना क्षेत्र के गांव का रहने वाला एक युवक उनके घर के पड़ोस में सैलून चलाता था। युवक ने अपना नाम हिंदू धर्म से जुड़ा सोनू बता रखा था, जबकि वो मुस्लिम है। जिसके बाद आरोपी ने लड़की को झांसे में देकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद आरोपी युवक ने 26 जनवरी 2019 को अपने सगे भाई, भतीजे और बहनोई के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने इस कृत्य की वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा और शादी का दबाव बनाने लगा। इसके बाद जबरन धर्म प्रवर्तन कराकर उससे निकाह भी कर लिया। यही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि धर्म प्रवर्तन कराकर उससे गौमांस भी खिलाया गया। उसके साथ कई जगह अलग अलग स्थानों पर ले जाकर उससे रेप किया गया। 20 जुलाई 2021 को किसी तरह जब इरशाद लड़की को लेकर बड़ौद आया तो वो वहां से उन्हें चकमा देकर भागी। पीड़िता उनके चंगुल से बचकर किसी तरह जब अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों से लेकर कोतवाली पहुंची, जहां पर उसने 8 लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी। पुलिस ने लड़की की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उधर घटना को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और सीधे ऐलान कर दिया है कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। देखिए, बड़ौद थाना क्षेत्र में एक 2019 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 184/19, जिसमें एक गांव की लड़की किसी मुस्लिम युवक के साथ चली गई थी और वो बालिग थी और वो अपनी उसने 161 और 164 के बयानों में विवेचना के दौरान उसने अपनी सहमति इससे जाना बताया था और सहमति अपने लड़के के साथ रहना बताई थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने उसको लड़के के साथ भेज दिया था, सुपुर्दगी में दे दिया था। और अब एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उसने धर्म परिवर्तन इत्यादि आरोप लगाए हैं उस लड़के के ऊपर। इस प्रार्थना पत्र में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विवेचना के दौरान जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि वो बस भी हमें चलाया है, फिर बाद में पत्र लगाया। हाँ, इसकी विवेचना चल रही है, जो भी तथ्य इसमें आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खैर, अब सवाल यह है कि आखिर कड़े नियम कानून बनने के बाद भी लव जिहाद के मामले थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।